तो ये ब्यूटीफुल बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं आज अपना इंटरसेप्टर 650 ग्लिटर एंड डस्ट का रिव्यू। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधव वंडरर। मैं हूं भूदेव, आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। शुरू करते हैं रिव्यू। ये जो बाइक है ये मेरा पास हो गया अभी 2 साल से थोड़ा ज़्यादा, 2 साल 4 महीना बोल सकते हैं आप। 2 साल 4 महीने से ये बाइक मैं चला रहा हूँ, और अगर आपको दिखाऊँ बाइक अभी चली है 21,156 किलोमीटर चला है, इसका मीटर से टैकोमीटर से आप देख सकते हैं। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मैं चलाते चलाते आपका साथ शेयर करता हूँ। कंडीशन 21,000 किलोमीटर चलने का बाद आप देख सकते हैं आपका सामने है, बहुत ही अच्छा है। मेरे को लगता है इसमें ख़राब होने लायक कुछ भी नहीं है, रस्ट वगैरह कहीं पर भी नहीं लगा है। खाली ये जो जगह है आपको यहाँ पे थोड़ा सा रस्ट लगेगा, ये जो इंजन से साइलेंसर निकलता है, इधर जो जैकेट है यहाँ पे हल्का सा रस्टी है, बट वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी और कहीं पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये दोनों साइलेंसर का जो जैकेट है यहाँ पे हल्का सा रस्टीनेस है। ये पूरा 2 साल 4 महीने में पीछे का टायर एक बार पंचर हुआ था। मैंने बाइक में ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं कराए, ये सुपर का लाइट्स लगाए, एक्स्ट्रा लाइट्स LED, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पावरफुल है। आपको जला के दिखाता हूँ, दीज आर वेरी पावरफुल लाइट्स। अभी दिन में इतना पावरफुल लग रहा है आप देख सकते हैं, बहुत ही पावरफुल लाइट्स है। और मैंने एक चेंज कराया, ये है इसका ये इंडिकेटर्स, ये मैंने LED ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स लगाया जो हैजार्ड लाइट का काम करते हैं सामने और पीछे। बाकी मैंने और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करवाए, ये जो कैरियर है ये लगाया ये मेरा, और ये जो साइड में दोनों सपोर्ट, ये जब हम साइड में बैग डालते हैं ऊपर मेरा टेल बैग आता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे एक कैमरा होल्डर लगाया GoPro के लिए, और एक फ़ोन होल्डर है, एक वॉच आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप राइड पे जाएंगे तब टाइम पता नहीं चलता, घड़ी नहीं देख सकते आप हाथ से, तो ये एक वॉच है। अभी इस बाइक के बारे में जितना भी बताओ कम है। मैंने आपको बोला ये कभी हमें डिसेटिस्फाई नहीं किया है, हमेशा अपना उम्मीदों पे खरा उतरा है। इनका आगे पीछे दोनों साइड में डिस्क ब्रेक्स हैं, ये सामने का डिस्क ब्रेक और ये आपका हो गया पीछे का डिस्क ब्रेक, दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। फुटरेस्ट अच्छा है, दोनों पैर मेरा बहुत सही बैठता है। तो ये सारे चीज़ है, मुझे अभी तक बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। अभी रनिंग में रिव्यू, पहले तो बता दूं ये जो रोड है ये पनवेल से निकल के जाता है एक इधर जो माथेरन का जो ट्रेकिंग रूट है उस रूट की तरफ जाता है। इधर बहुत सारे गांव है, जो माथेरन ट्रेकिंग रूट वाला गांव है वो दुधानी है, और उसका आगे भी एक गांव है जो चंदेरी फोर्ट के लिए जाता है। ये सब रास्ता, ये रास्ता उधर ही जाके ख़त्म होता है। बहुत ही सुंदर रास्ता है जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। अभी आज का सब्जेक्ट ये नहीं है, आज का सब्जेक्ट है बाइक इंटरसेप्टर 650। देखिए टेक्निकल रिव्यू तो सारे लोग देते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है एक्सपीरियंस। ये गाड़ी मैंने चलाया अभी 21,150 किलोमीटर आज का दिन पे, और ये गाड़ी है नवंबर 2019 की, मॉडल है ग्लिटर एंड डस्ट इंटरसेप्टर 650। ग्लिटर एंड डस्ट है, शाइनिंग वाला क्रोम वाला मॉडल जिसका टैंक में पूरा क्रोम फिनिश है। इसके लिए इसका प्राइस भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ा, कोई बात नहीं, पसंद आया था। अभी इस गाड़ी को मैं करीब 2 साल चला रहा हूँ, 2 साल से ऊपर हो गए, नवंबर 2021, अभी चल रहा है मार्च अप्रैल 2022, 2 साल से ऊपर से चला रहे हैं। तो मेरा वो जो चलाने का जो एक्सपीरियंस है, और इस बाइक में मैंने लद्दाख जाके आया श्रीनगर रूट से, करीब 6,800 किलोमीटर। इससे मैंने गोवा गया है, इसमें मैंने औरंगाबाद गया है, इस बाइक में मैंने अभी हैदराबाद भी करके आया, और नॉर्मल छोटा मोटा जितना भी ब्रेकफास्ट राइड्स है उसमें ये बाइक चलता ही है। तो ये इसका मेरा रिव्यू ऐसा है कि ये इतना चलाने का बाद कि ये जो बाइक है ना, आपको कभी ये को अपसेट नहीं करेगा,
कभी भी आप अपसेट नहीं होगे इसका परफॉर्मेंस के ऊपर। जब ये बाइक नया नया आया था ना, तभी बहुत सारे स्पेकुलेशन चला था कि ये बाइक क्राउड सिटी ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करेगा, मैनुअलिटी कैसे कितना रहेगा, कितना मैनुअल हम कर सकते इसको, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशन चला था। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाइक लेके मैं ऑफिस में भी गया हूँ और जाता भी हूँ, सिटी में ट्रैफिक में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका थोड़ा आदत लग जाती है, आदत लग गया ना आपको, बहुत ज़्यादा मैनुअरेबल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बाकी गाड़ी जैसे मैनुअर करते हैं उनका साथ में ऐसे ही मैनुअर करता हूँ। यहाँ सिटी में आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाती है, इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी बोलती है वो 34.64 है और मुझे 34 मिला है। अगर आप राइड पे जाओगे लॉन्ग राइड पे तो आपका स्पीड मेंटेन करोगे 100 to 120 कॉन्स्टेंटली और आपका राइडिंग स्टाइल अगर ठीक है तो आपको 34 की एवरेज मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा सिटी में थोड़ा वो भी राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी ये अच्छा खासा एवरेज सिटी में भी देता है। एकदम जैसे स्कूटी जैसा एवरेज तो मिलेगा नहीं, 650 cc का गाड़ी है। पिकअप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी को ओवरटेक करना चाहा या कहीं पे स्पीड ज़्यादा करना चाहा तो नहीं हुआ। दूसरा आपको बताऊंगा मैं इसका ब्रेक्स का बारे में। इसका ब्रेक्स देखिए, सामने पीछे दोनों डिस्क ब्रेक है और दोनों डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम करता है। डेफिनेटली पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हार्ड दे दिया तो आप स्किड करोगे। सामने का जो ब्रेक है आप यूज़ करिए आपको अर्जेंट रोकने के लिए, बहुत ही सॉलिड ब्रेक है, आपको जगह पे रोक देता है, एकदम जगह पे रोक देगा आप। दूसरा इसका टायर, वो शुरू में आया था वो पिरेली का टायर आया था, टायर देखने में है उसमें ग्रिप्स नहीं है जो भी है, लेकिन ये टायर है ना ये इतना मस्त टायर है कि अभी रोड नहीं छोड़ता, कभी भी रोड नहीं छोड़ेगा ये। हाँ, अगर आप इसमें ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो ऑफ रोडिंग के लिए, एक्चुअली ये बाइक नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए, ये रोड्स के लिए बनाए गए हैं और रोड में तो ये भाई साहब ये अनबीटेबल है। मेरा हो गया 21,000 किलोमीटर होने का बाद भी अभी तक मैंने टायर चेंज नहीं किया है, लेकिन शायद बारिश से पहले करना पड़ेगा, देखते हैं। अभी भी टायर का जो मार्किंग है और जो इंडिकेटर्स है वो अभी भी थोड़ी सी है, तो अभी भी पूरा घिस नहीं गया है, अभी टाइम है, चल रहा है, मेरे को कभी स्किड का इश्यूज़ भी नहीं है अभी तक। लेकिन चेंज करेंगे तो दोनों एक साथ चेंज करना पड़ेगा। आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे ना इसका, पैर में पूछेंगे आप, इसका आवाज़ इतना बढ़िया आवाज़ है, इतना बढ़िया पिकअप, इतना बढ़िया कंट्रोल है इस गाड़ी का, आप प्यार में पड़ जाएंगे। इसमें बैठ के रोड का राजा ही फील होता है, किंग ऑफ द रोड, वही वाली फीलिंग आती है। अभी यहाँ पे लेता हूँ मैं क्विक टर्न, ये देखिए इधर टर्न उन लेने के लिए ना गाड़ी में प्यार नीचे नहीं होता, आराम से आप टर्न ले सकते हैं, आराम से टर्निंग हो जाता है। अगर मैं टैकोमीटर का बात करूँ, मान लो 500 बार में कभी कभी ना ऑन करने के बाद वो जो फ्यूल वाला गेज है कभी कभी गलत दिखाता है, फिर आप स्विच ऑन करो फिर ऑन करो फिर एकदम सही हो जाता है। ये पता नहीं मुझे बाकी का में होता है कि नहीं, पर इसमें हुआ है, लेकिन हमेशा नहीं होता। जैसे मैं बोला 400-500 बार में एक बार ही इसका रेशियो है। इसका लाइटिंग हेडलाइट अच्छा है, हेडलाइट्स पर मैंने दो ऑक्सिलरी लाइट्स लगाए हैं क्योंकि मेरे को ज़्यादा लाइट चाहिए होता है रात को। सस्पेंशन का अगर बात करूँ तो सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है और मेरा राइडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, जैसे बम्प में या गड्ढा उड्ढा दिख जाता है मेरे को और स्पीड में कम नहीं कर पाता तो मैं थोड़ा ना फुट पिक्स के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे ऐसा तो कोई इशू नहीं आता है। लेकिन एज ए पिलियन ड्राइवर, जो रूना मेरा वाइफ मेरा साथ बहुत जगह पे राइड किया हुआ है तो उनका जो एक्सपीरियंस होता था, उनको भी सस्पेंशन का इशू कुछ नहीं आता है, वो सेट डिफ़ॉल्ट पे है और कोई इशू हमें नहीं आ रहा है। हाँ, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा वेट वाला नहीं है, मेरा वेट है अराउंड 78 kg और रूना का वेट है 59.5, तो ये हमारा वेट्स है, तो इस वेट में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। मिरर्स का बात करूँ तो ये मिरर्स एकदम बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते, सांप पीछे वाला आदमी सांप दिखता है कौन आ रहा है तो उसका भी कोई इश्यूज नहीं है। अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ गाड़ी को, थोड़ा मैं साइड में खड़ा करके आपको थोड़ा रिव्यू दूंगा इसका, थोड़ा टेक्निकल जो भी है स्पेसिफिकेशंस है वो भी बता दूंगा, जबकि सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो आपको नेट पे मिल जाती है यार। जो नेट पे नहीं मिलती है वो है इसका राइडिंग एक्सपीरियंस।
ये राइडिंग एक्सपीरियंस ही मैं आज बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक स्पॉट पे आया। अभी आपने देखा मैंने बाइक को थोड़ा ऑफ ले लिया है और ये एक ब्यूटीफुल स्पॉट है। पता है क्यों? चांदेरी केव्स देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से चांदेरी जाने का रास्ता है। इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके इंजन है 648 cc, कार्ब वेट है 202 kg, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.7 liters। सीट मैंने परफेक्ट सीट से थोड़ा अल्टर करवाया था क्योंकि ये मुझे उसका जो नॉर्मल शेप था ना वो उतना पसंद नहीं आया था, तो मैं अपना हिसाब से इसको थोड़ा चेंज करा लिया था, थोड़ा वाइड कराया। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा वाइड है। इसका जो नॉर्मल सीट हाइट आता है वो है 1165 mm। इसके एमिशन टाइप है अभी जो आ रहा है वो BS6 है। इंजन डिस्प्लेसमेंट आपको बताया 648 cc है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स 2 है इसमें। मैक्सिमम टॉर्क है 52 Nm ऑन 5250 rpm। मैक्सिमम पावर है 47.65 PS एट 7150 rpm। ABS है डुअल चैनल और इसका टैकोमीटर आपको दिखाया वो है डिजिटल। ये गाड़ी देखिए कितना बढ़िया लगता है, जैसे चारों तरफ का सीनरी है वैसे ये गाड़ी भी उतना ही बढ़िया है, सूट कर रहा है। यहाँ पे परफॉर्मेंस भी औसम है, दिखने में भी इतना औसम है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। रोड प्रेजेंस कहीं से भी जाओ दो लोग आँख उठा के देखता ही है। ऐसा नहीं कि आपका रोड प्रेजेंस ऐसा चला जाएगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसका प्रेजेंस आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साइलेंसर का आवाज़ आपको सुनाया, बहुत ही प्यारी है, फिर से सुनाता हूँ आपको। देखिए कितना प्यारी आवाज़ है। और अगर थोड़ा एक्सीलेटर दिया अभी ये ब्यूटीफुल लोकेशन पे ये ब्यूटीफुल बाइक का साथ, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ इस बाइक के बारे में। जितना ब्यूटीफुल ये लोकेशन है उतना ही ब्यूटीफुल ये बाइक है और उतना ही मज़ा इसको चलाने में है। अगर आप प्लान बना रहे हैं इंटरसेप्टर खरीदने का, इंटरसेप्टर 650, अभी तो शॉटगन 650 भी आ रहा है, सारे का 650 का इंजन वही है, गियरबॉक्स भी वही है, बट दिस इज़ अ रोड स्टार। ये रोड में इसका परफॉर्मेंस जो सुपर्ब है ना, एक्चुअली दिस इज नॉट ऑफ रोडिंग। आप देख सकते हैं मैंने ये जो जगह पे आया ये थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला जगह है, लेकिन ये हल्का सा, इससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग में ये थोड़ा मुश्किल करता है क्योंकि ये ऑफ रोडिंग बाइक है नहीं। बाकी आप खुद मार्केट में रिसर्च कर लीजिए, सारे चीज़ करके देखिए। अगर आप मुझे पूछेंगे मेरा रिव्यू और मेरा सजेशन रिकमेंडेशन, तो मैं ये बोलूँगा इस प्राइस रेंज में, इंटरसेप्टर का प्राइस रेंज में इससे बढ़िया बाइक नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि सारे न्यू वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेक केयर, गुड बाय।